नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे हथेली विश्लेषण के कुछ ऐसे छुपे हुए चीज जिन पर लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते। एक तो सबसे पहले आता है उसमें हथेली का आकार। जब हम किसी की हथेली देखते हैं, आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। हथेली बड़ी है उसके प्रिडिक्शन अलग होते हैं, छोटी है, सकरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हथेली का कलर क्या है, रेड है, पिंक है, ब्लैक है, कई तरह की हथेली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हथेली मोटी है, पतली है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आया कलर है, कॉम्बिनेशन है, पतली है, दाएं और बाएं, ये एक महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कौन सी हथेली देखे। आइए एक एक करके सारी चीजों को हम जानने का प्रयास करें। लेफ्ट और राइट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसके विषय में पूछते हैं कि हमें लेफ्ट हथेली, मैं इसमें ए मार्क कर देता हूं। पहला हमारा नंबर होगा कि लेफ्ट या राइट, एल ई एफ टी, लेफ्ट या राइट, राइट कौन सी हथेली देखें। सामुद्रिक शास्त्र स्पष्ट करता है कि महिलाओं की बाई हथेली पुरुष की दाहिनी हथेली हमें देखनी चाहिए। पुनः सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि किसी भी भविष्यवाणी से पहले, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले जातक की दोनों हथेलियों को अवश्य देखनी चाहिए। हमें आयु की गणना करनी है तो केवल एक हथेली से नहीं की जा सकती। ये स्पष्ट करता है कि दोनों हथेली को देखने के बाद हमें निर्णय लेना चाहिए। अब दाई और बाई में क्या अंतर है, आखिर लोग पुरुष की दाहिनी ही क्यों देखते हैं, शास्त्र क्यों कहता है। बाई हथेली आपके पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध आपने किया था, जिसे आप लेकर आ रहे हैं, वो आपकी बाई हथेली इंडिकेट करती है। ये चीजें आपको प्राप्त है, इसे आप लेकर आए हैं। वहीं दाहिनी हथेली आपके कर्म और वर्किंग क्षेत्र के अनुसार इसे डिपेंड ये बतलाती है कि अभी आप वर्तमान समय में जो कर रहे हैं वो कर्म के अनुसार आपकी हथेली क्या बता, आपके कर्म कैसे हैं उसके अनुसार आपकी हथेलियां दाहिनी बना रही है। महिलाओं की बाई क्यों देखी जाती है, क्योंकि महिलाएं प्राचीन समय में घर में रहती थी, घर का कार्य करती थी, तो वो बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन वर्तमान समय में महिला बाहर भी जा रही है, घर के बाहर सभी तरह के वर्क कर रही है, उनकी भी दाहिनी हथेली को देखनी चाहिए। यदि वर्किंग महिला है तो दाहिनी हथेली को प्राथमिकता देते हुए देखें। यह है दाहिनी और बाईं। अंतिम निर्णय, आयु की गणना, विवाह की गणना, भाग्य की गणना, धन पैसे, विवाह, बच्चे, इन सारी चीजों के निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों हथेली को देखें, उसके बाद निर्णय पर पहुंचे कि आपकी आयु कितनी होगी। ऐसा नहीं कि किसी को हमने बता दिया कि आपकी तो मात्र 60 ईयर आयु हो, जबकि हम देख रहे हैं कि उनकी दूसरी हथेली में रेखाएं लंबी है। ये तो हो गई हमारी दाईं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आकार। ये महत्वपूर्ण है कि हमें दाएं बाएं के बाद साइज, साइज क्या है, आपकी हथेली जिस हथेली को देख रहे हैं उसका आकार क्या, क्या ये बहुत बड़ा है। अब किसी की हथेली बहुत बड़ी है या छोटी है, उनके कद काठी के अनुपात में हम गणना करते हैं। व्यक्ति यदि काफी लंबा चौड़ा है तो हथेली भी उसकी बड़ी होगी, तो ये एक सामान्य चीजें मानी जाएगी। लेकिन सामान्य कद काठी का व्यक्ति है, उनकी हथेली काफी बड़ी दिख रही है, तो हम मानेंगे कि इनकी हथेली काफी बड़ी है। तो आकार के आधार पे इसमें जो बांटा गया है, एक तो इसमें बांट दिया गया है कि बिग पहला है कि बड़ा साइज, बहुत बड़ा, बिग साइज। दूसरा है, एक तो गया वेरी बिग, बहुत बड़ा, इसमें दूसरा पॉइंट आता है बिग साइज, बड़ा हथेली। तीसरा जो होता है वो होता है ये सामान्य साइज, सामान्य साइज अर्थात एक तरह से माने नॉर्मल, नॉर्मल साइज। चौथा आता है छोटी हथेली, स्मॉल। पांचवा पॉइंट आता है वेरी स्मॉल। ये पांच प्रकार की हथेली है, पांचों के गुण अलग अलग हैं, इन गुण के अनुसार हम प्रिडिक्शन करते हैं। बहुत बड़े साइज की हथेली होगी तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, एक तो इसमें किसी कार्य में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है, अनावश्यक रूप से भी हस्तक्षेप कर देंगे, किसी कार्य को काफी विस्तार से करने का प्रयास करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में जो भी वर्क करें, इनमें ये विस्तारवादी नीति होती है। कभी कभी ये सनकी की तरह वर्क करते हैं,
कठोर अनुशासक, ये चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सामने वाला बात मान ले, ये बड़ी हथेली का एक गुण होता है। वही बड़ी, सबसे बड़ी साइज, और उसके बाद जो होती है बड़ी साइज, बड़ी साइज वाले हथेली अच्छी मानी जाती है। ये चीजों की गहराई में जाते हैं, गहराइयों में जाने के बाद, प्रत्येक चीज के तह तक जाने के बाद ये किसी को व्यक्त करते हैं। विश्लेषण करने की बुद्धि अच्छी होती है जिनकी हथेली बड़ी होती है। बड़ी के बाद आ जाती है नॉर्मल साइज, ये सामान्य साइज की जो हथेली होती है ये सबसे अच्छी मानी जाती है। सामान्य औसत आकार का जो हथेली होती है, ऐसे जातक काफी व्यवहारिक होते हैं। इन्हें हर चीज को, मतलब हर चीज के विषय में ये काफी सोचने समझने के बाद डिसीजन लेना, व्यवहारिक व्यक्ति किनके साथ किस प्रकार से हमें निर्णय लेना है, क्या बताना है। नेक्स्ट आ जाता है छोटा साइज, छोटे साइज की हथेली अच्छी नहीं, यदि ये हथेली कोमल मस्तिष्क के माने जाते हैं। ऐसे जातक विचार और गुण से संपन्न होते हैं, काफी नॉर्मल हृदय के होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, लड़ना पसंद नहीं करते हैं। काफी छोटी हथेली, आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की हथेली बहुत छोटी होती है। यदि किसी की हथेली काफी छोटी है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातक में अस्थिरता पाई जाती है, क्या करना है जीवन में कुछ पता नहीं, संकुचित विचार के होते हैं, कभी कभी हथेली बहुत सक्रिय होती है। तो ऐसे के लोगों का विचार भी बहुत सकरा होता है, संकुचित विचार की अस्थिरता होती है कार्य में। तो आप देख रहे हैं कि हथेली की आकार अच्छी नहीं है, रेखाएं अच्छी है, तो रेखाएं अच्छी भी है, यदि हथेली अच्छी नहीं है तो वर्क अच्छा नहीं करती है। अब आइए नेक्स्ट हो जाता है इसके बाद में, अब हथेली में आकार में हो जाता है कि हथेली मोटी है या पतली है। हथेली यदि किसी जातक की काफी मोटी है, भद्दी है, मोटी है, तो ऐसा जातक आक्रामक प्रवृत्ति का माना जाता है, असभ्य माना जाता है। असभ्य व्यक्ति जिसे कहते हैं, उस प्रकार की प्रवृत्ति, काफी मोटी हथेली हो, भद्दी हो, चौड़ी हो, ये असभ्य व्यक्ति का एक है कि व्यक्ति में कहते हैं माइनर नहीं, इस प्रकार की चीजें दिखती है। वही हथेली यदि गद्देदार, नर्म हो, सॉफ्ट हो, सभी मांस उभरे हो, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। हथेली काफी पतली हो, ये भी शुभ नहीं मानी जाती है। काफी पतली और रूखी हथेली किसी की होगी, ऐसे हथेली में एक तो रेखाएं आपको अच्छी नहीं मिलेगी, यदि रेखाएं अच्छी मिलती भी है तो इनको प्रॉपर उन रेखाओं का लाभ नहीं होता है, क्योंकि इनके कर्म अच्छे नहीं होते। काफी पतली हथेली तो बेकार के कामों में लगे रहते हैं। ऐसे जातक स्वार्थी प्रकृति के होते हैं, केवल अपना जानते हैं। तो ये सारी चीजें हथेली की आकार हमें बता देती है। नेक्स्ट आ जाता है अब रंगत, महत्वपूर्ण चीज है कि हथेली का कलर क्या है। मैं कलर की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूं। रंगत बहुत महत्वपूर्ण, हथेली की रंगत आपके विषय में बहुत कुछ कहती है। कलर में आता है, जैसे इसमें आती सबसे पहले रेड, आपकी हथेली का कलर यदि रेड हो तो आपके ऊपर मंगल का प्रभाव अधिक है। रेड हथेली, इसका अर्थ है आपके ऊपर मंगल का प्रभाव अधिक है। ऐसे जातक आज तो आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा क्रोध भी अधिक होता है मंगल के कारण, जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, हठी होते हैं, जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं, जिस कार्य को ठान लेते हैं अंतिम दम तक करते हैं। ये रेड हथेली का गुण है कि वो वर्क को करने में विश्वास रखते हैं, वर्क को अंतिम तक पहुंचाते हैं, ये रेड हथेली का गुण है। दूसरी जो महत्वपूर्ण होती है हथेली वो है येलो। पीली हथेली शुभ नहीं मानी जाती है, इस पर माना जाता है कि गुरु बृहस्पति का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव शुभ पड़ता है, परंतु पीली हथेली कहीं न कहीं जातक को आलसी बना देता है, वर्क को सही से नहीं करना। ऐसे जातक पर मौसम का इफेक्ट बहुत अधिक पड़ता है, तुरंत में कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे जातक को शरीर में दर्द भी बहुत होता है, बात व्याधि होने की सबसे अधिक संभावना रहती है, सर्दी खांसी आम बात है, ये येल्लो हथेली। इसके बाद आती है ब्लू या ब्लैक कलर वाली, जिसको या तो बैंगनी कलर आप बोल सकते हैं। शनि का प्रकोप ऐसे जातक पे होता है जिनकी हथेली की रंगत ब्लू या ब्लैक होगी। एकांत में कार्य करना, चुपचाप कार्य करना, गुप्त रूप से कार्य करना इनको विशेष पसंद है।
हालांकि ऐसे जातक चिड़चिड़े भी होते हैं लेकिन गुप्त कार्य करने में माहिर होते हैं, अपना कार्य निकालने जानते हैं। ये काली हथेली का ये है। अब नेक्स्ट जो होता है, सबसे जो अच्छी हथेली मानी जाती है वो होती है पिंक, जिसे हम गुलाबी हथेली भी कहते हैं। यदि किसी की हथेली पिंक कलर की हो, गुलाबी रंगत में हो, तो ये सबसे अधिक शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक मन से हृदय से प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं। ये कार्य और कर्म को करने में अपना समय लगाते हैं। लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आप अपने समाज में देखें, जिनकी हथेली की रंगत पिंक होगी, ऐसे व्यक्ति जरूर उच्च स्थिति में होंगे, उच्च पद पर होंगे, बड़े व्यवसायी होंगे, बड़े पदाधिकारी होंगे। आप देख सकते हैं, आप किन्हीं की हथेली देखते हैं, इसलिए कहा जाता है पहले रंगत को देखिए, आकार को देखिए, उसके बाद निर्णय पर पहुंचिए कि व्यक्ति क्या कर सकता है जीवन में, क्या नहीं कर सकता है। अब व्यक्ति किसी व्यक्ति के हम देखते हैं, यदि आकृति जो है काफी संकीर्ण हथेली, छोटी सी पतली सी संकीर्ण है, दबी हुई, समझ जाइए ऐसी व्यक्ति की मनोवृत्ति भी संकीर्ण है। ये अपने मनोवृत्ति इतनी संकीर्ण है कि ये बड़ा कार्य न मन में ठान पाते हैं, न कर पाते हैं, न दूर की सोच पाते हैं, न उसे करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे हथेली में यदि एक रेखा बहुत अच्छी हो गई, भाग्य रेखा, फिर भी ऐसे जातक कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ। तो निर्णय लेने से पहले हमें आकार पे महत्वपूर्ण रूप से हमें ध्यान देना चाहिए। अब सबसे अच्छी हथेली क्या मानी जाती है? हथेली का आकार नॉर्मल साइज है या नॉर्मल से बड़ा साइज है तो हथेली शुभ है। हथेली गद्देदार है, गद्देदार हथेली रूखी नहीं होनी चाहिए, बहुत कड़ी नहीं हो, गद्देदार हो, माउंट्स उभरे हुए हो, ऐसी हथेली शुभ प्रभाव देती है। गुलाबी कलर की हो, शुभ प्रभाव देती है। हथेली का आकार वर्गाकार हो, ऐसा नहीं कि काफी लंबा हथेली है, पतला हथेली है। हथेली का आकार यदि ये स्क्वायर शेप में दिखता है, ये आकार आपको वर्गाकार या वर्ग से मिलता जुलता, ऐसे जातक जीवन में बहुत अधिक सफल होते हैं। तो इन सब चारों, जब भी आप किसी का प्रिडिक्शन करते हैं, चाहे अपना करें, फैमिली मेंबर का, या आप जो सीखते हैं, तो जब आप सीख रहे हैं या जान रहे हैं, तो आपको लोगों की हथेली देखकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम उनकी बनावट को देख लें कि आकार क्या है, रंगत क्या है, उंगलियां, नाखून, अंगूठे, सारी चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग इन पर ध्यान न देके काफी केवल जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा को देखकर हम ये बता दें कि इनकी सूर्य रेखा बड़ी है, ये बहुत बड़े पदाधिकारी बन जाएंगे, ये सही नहीं होगा। आपको सभी चीजों को देखने के बाद ये डिसीजन लेना चाहिए कि व्यक्ति जीवन में क्या कर पाएगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।